हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये फिफ्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हैं, हमें डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं मैनेजमेंट के, जो कि ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है मैनेजमेंट जो है ये जो है फॉलो किया जाता है। Different management experts have explained different principles on the basis of their research. Henry Fayol, a famous industrialist of France, has described 14 principles of management in his book Journal and Industrial Management. ये जो different management experts हैं उन्होंने अपने अपने principles को different तरीके से क्या किया है, explain किया है अपने अपनी research के basis पे। तो जो ये Henry Fayol हैं, famous industrialist हैं France के, इन्होंने 14 principles जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं अपनी बुक में, जो जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स, ही मेक इट क्लियर दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटली ट्रू एंड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, व्हाइल द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट टुवर्ड्स हिज फंक्शन। ठीक है, तो उन्होंने एक ही तरीके से ये डिफरेंस बताया है प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स के बीच में। तो ये बताया कि ही मेक इट क्लियर द प्रिंसिपल्स जो हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के, वो क्या हैं, बिल्कुल ट्रू हैं, और किसके बेसिस पे बने हैं, उनका रिलेशनशिप जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के, वो क्या पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स हिज फंक्शन, जो इसके फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। व्हाइल प्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल हैज़ कैप्ट टू थिंग्स इन माइंड। अब फेयोल ने दो चीज़ें बताई हैं जिसके थ्रू हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्टली, द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड नॉट बी लॉन्ग बट शुड बी सजेस्टिव, एंड ओनली दोज प्रिंसिपल शुड बी एक्सप्लेन। तो अब हेनरी फेयोल ने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, प्रिंसिपल्स को जो प्रेजेंट किया है। तो उन्होंने ये किया कि फर्स्ट थिंग जो हमें माइंड में रखनी है कि क्या है, कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, पर सजेस्टिव होने चाहिए, मतलब उसमें सजेशंस होने चाहिए कि उस प्रिंसिपल्स को आगे जो है वो फॉलो किया जाए, ठीक है। और सेकेंडली, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल बन गया है वो ही आगे तक फॉलो होएगा, ठीक है, ये सिचुएशन के हिसाब से क्या होने चाहिए, फॉलो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो देखो, ये है डिवीज़न ऑफ वर्क, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया है। दिस प्रिंसिपल ऑफ फेयोल टेल्स अस दैट एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट, रेदर देन गिविंग द होल वर्क टू वन पर्सन। अब इस प्रिंसिपल ने, फेयोल ने क्या कहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि वर्क को हम क्या करें, डिवाइड करके चलें डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना ही ठीक होता है, मतलब वो वर्क जो है वो हमारा ईजिली परफॉर्म हो सकता है। एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन, और हर इंडिविजुअल को क्या है, एक काम का मतलब एक पार्ट देना चाहिए, ठीक है, पूरा वर्क नहीं दे देना चाहिए उसको, उसकी एबिलिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना वो कर सकता है, ठीक है, बजाय किसके कि एक ही पर्सन को सारा काम दिया जाए, वो छोटा छोटा जो है काम जो है हर पर्सन में डिवाइड कर देना चाहिए। व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्म द सेम जॉब रिपीटेडली, ही विल बिकम एन एक्सपर्ट इन डूइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द होल जॉब। तो जब अगर वो इंडिविजुअल जो है, वो पर्सन जो है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, अपने काम को बार बार रिपीट करके करेगा, तो वो अपने काम में क्या है, बिल्कुल एक परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल बिकम अवेलेबल, तो उसमें क्या है, उसको क्या मिल जाएगी, एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसके ये एग्जाम्पल हैं, आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो हमारे को प्रिंसिपल दिया गया है, क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो इन हैंड। तो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक, मतलब आगे से आगे वो चलती रहती है। इट मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट,
दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये कैसे बताया गया है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम क्या है, एक पर्टिकुलर वर्क दे देते हैं, मतलब एक काम जो है वो सौंप देते हैं, तो वो उस काम के कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ही पर्टिकुलर पर्सन जिसको वो काम दिया गया है, ठीक है। तो उसको उसने क्या करना है, अपने काम का रिजल्ट देना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई उसको, उसको काम मिल गया, पर वो पॉसिबल तभी होगा जब उसको सफिशिएंट अथॉरिटी मिलेगी। अब अथॉरिटी कैसे मिलेगी कि उस काम को करने की, कि मतलब वो उस काम को किस तरीके से करेगा, इतनी अथॉरिटी उसको दी जानी चाहिए ताकि वो अपने मतलब इसलिए ईजिली अपने हिसाब से वो काम कर सके, ठीक है। तो वो टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जब उसको अथॉरिटी मिल जाएगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों ही दी जानी चाहिए। इट इज़ नॉट प्रॉपर टू मेक अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वर्क इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। इन द वर्ड्स ऑफ फ्योल, द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी का रिजल्ट बताया गया है वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तो उसको क्या है, करने की अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। अगर आपको अथॉरिटी मिल गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर रहती है, तो इसका ये मतलब है। इट इज़ नेचुरल रिजल्ट, द नेचुरल रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी एंड असेंशली अनदर एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, एंड वेन एवर अथॉरिटी इज़ यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑटोमेटिकली बॉर्न। और जब अथॉरिटी आपको मिल गई है किसी काम को करने की, कि आप उस काम को किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, एक डिसिप्लिन इज़ असेंशियल फॉर एनी सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस। अब डिसिप्लिन होना हर काम में बहुत ज़रूरी है, अगर आपने उस काम को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको क्या है, डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप डिसिप्लिन में होके वर्क नहीं करेंगे तो वो वर्क का रिज़ल्ट जो है आपको परफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो फ्योल कंसीडर डिसिप्लिन टू मीन ऑबिडियंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स, ठीक है। तो डिसिप्लिन में काम करने का मतलब क्या है, एक ऑबिडियंट है आप उस काम को करने के लिए, मतलब आप उसको बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या है, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, जो आपको अथॉरिटी दी गई है आप उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन से वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितने रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, आप उसको भी ऑब्जर्व करके उनके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब हम डिसिप्लिन में काम करेंगे। तो डिसिप्लिन कैन बी एस्टेब्लिश बाय प्रोवाइडिंग गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अ मैनेजर कैन प्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल टू हिज सबॉर्डिनेट बाय डिसिप्लिनिंग हिमसेल्फ। अब मैनेजर जो है एक अच्छा एग्जाम्पल अपने सबॉर्डिनेट्स को दे सकता है, कैसे, कि वो खुद अगर डिसिप्लिन में होगा तो उसके अंडर जो है उसके सबॉर्डिनेट्स जो वर्क करेंगे वो भी डिसिप्लिन में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है जो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे सकता है। नेक्स्ट है, अब इसमें फोर्थ पॉइंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट अ टाइम, एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। अब इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, कि आप कितने मतलब लोगों को कमांड दे रहे हैं और जो वो पर्सन्स हैं वो आपको कैसे क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है हर एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से मतलब क्या है, एक कमांड मिलनी चाहिए, ठीक है, एट अ टाइम, एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी, और वो एम्प्लॉय जो है उसी को ये आंसर करेगा जिसको, जिसने उसको कमांड दी है, ठीक है, आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। इफ़ देयर आर मैनी सुपीरियर्स गिविंग ऑर्डर टू सेम एम्प्लॉय, ही विल नॉट बी एबल टू डिसाइड एज टू विच ऑर्डर इज टू बी गिवन प्रायोरिटी। अगर
क्या है, मैनी सुपीरियर, उसके मतलब जो है ऊपर काफ़ी सारे सुपीरियर्स होंगे जो उसको ऑर्डर देंगे एक एम्प्लॉय को, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसने किसको किसके ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और वो उसमें कन्फ्यूज़न में रहेगा और इस कन्फ्यूज़न में वो अपना वर्क जो है वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ही डज फाइंड हिमसेल्फ इन अ कन्फ्यूज सिचुएशन, सच ए सिचुएशन एडवर्सली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट, ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर आर मेनी सुपीरियर एवरी सुपीरियर वुड लाइक हिज ऑर्डर टू बी गिवन प्रायोरिटी। अब उसके ऊपर अगर बहुत सारे सुपीरियर होंगे तो हर सुपीरियर यही सोचेगा कि उसके ऑर्डर को पहले सुप्रियोरिटी मिलनी चाहिए, पर उसमें क्या है एक सबॉर्डिनेट जो है वो कन्फ्यूज़ रहेगा। क्यों कन्फ्यूज़ रहेगा कि इसलिए कि उसको ये रहेगा कि मैं किसके ऑर्डर को पहले मानूँ, किसके ऑर्डर को पहले आंसर करूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसमें ईगो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अभी देखिए चार्ट दिया गया है, तो ये क्या है राइट अप्रोच क्या है कि एक मैनेजर है और वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, एक ही मैनेजर एक दो तीन ये थ्री सबॉर्डिनेट्स को क्या कर रहा है ऑर्डर दे रहा है। अब ये सबॉर्डिनेट्स भी जो हैं क्या करेंगे इसी मैनेजर को ही ऑर्डर देंगे, क्योंकि एक ही मैनेजर को उन्होंने क्या करना है आंसर करना है, ठीक है। अब ये देखो रॉन्ग अप्रोच, ये कैसे ये बताया गया है। अब यहाँ पे टू मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वन टू थ्री सबॉर्डिनेट्स हैं। अब ये मैनेजर इसको भी ऑर्डर देगा, ये मैनेजर सेकंड को भी ऑर्डर देगा और ये मैनेजर थर्ड को भी ऑर्डर देगा। इसी तरीके से दूसरा मैनेजर है वो फर्स्ट को भी ऑर्डर देगा, सेकंड को भी और थर्ड को भी देगा। तो इसमें क्या है क्लैशेस बने रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर वो क्या है सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो क्या करेंगे आंसर नहीं कर पाएंगे, उनको ये कन्फ्यूज़न रहेगी कि हम ये मैनेजर को अपना आंसर करें मतलब काम दिखाएं या ये मैनेजर को करें, ठीक है। इससे मैनेजर्स में भी क्या है बना रहेगा क्लैशेस बने रहेंगे, वो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ये है राइट अप्रोच, ये है रॉन्ग अप्रोच। तो इसलिए ये क्या है यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल बनाया गया है, ठीक है। नाउ फिफ्थ है हमारे पास इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, मींस दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, कि एक हेड होना चाहिए एक ही प्लान के लिए, ठीक है। मतलब जैसे प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जो हमने ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एक ही हेड होना चाहिए वो एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी सेम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव एंड देयर शुड बी वन मैनेजर टू कंट्रोल दैम। एक मतलब प्लान होना चाहिए कि कितनी एक्टिविटीज़ आपने ग्रुप मतलब जो जितनी भी एक्टिविटीज़ करवानी हैं उसकी क्या है उसका ऑब्जेक्टिव भी सेम होना चाहिए और उसका एक ही मैनेजर होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि देखिए सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स नेमली स्कूटर एंड कार्स हैविंग टू रिविजन, ठीक है, स्कूटर भी बना रही है कार भी बना रही है। एज सच प्रोडक्ट एज इट्स ओन मार्केट द प्रॉब्लम देयरफॉर ईच डिविजन मस्ट हैव इट्स ओन टारगेट। अब क्या है स्कूटर का अपना टारगेट है और कार का अपना टारगेट है, ठीक है ना। Now each division must plan its target as per its environment condition to get better result. अब हर division इस तरीके से करी जाएगी ताकि जो है वो अपना target जो है पूरा कर सके, जो भी environment मतलब conditions होंगी तो उसके according जो है वो plan बनाया जाना चाहिए, divide करा जाना चाहिए, ठीक है, तो जो भी better results दे सके। तो इसमें यही है कि एक प्लान बना होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जितनी भी परफॉर्म करनी है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी सेम होना चाहिए, और उसके लिए जो एक मैनेजर है वो भी वन ही होना चाहिए ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आपके ये थे फाइव प्रिंसिपल्स, अभी पहले आप इनको रीड करिए, अपना इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए।